हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल। फ्रेंड मैं गौरव आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल डेक्कन स्टॉक मार्केट में। और आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कल के लेवल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे वो देख लेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो फ्रेंड, आज मार्केट ने गैप अप मारने के बाद डे ओपन डे हाई सेम बनाने के बाद कंटिन्यूसली मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और डे लो की तरफ आज मार्केट बंद हुआ है। तो कल मैंने यही बोला था आपको, मार्केट में जितने भी अपमूव आ जाएं वो अपमूव सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे जब तक मार्केट अपना क्रूशियल लेवल ना निकाल दे। और मार्केट का क्रूशियल लेवल क्या है, 19200 और 19300 का। ये मार्केट का बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल लेवल है। जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर नहीं सस्टेन करेगा तब तक मार्केट में कोई भी अप मूव सस्टेन नहीं करेगा, वो सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आज भी वही होता हुआ दिखा है। तो इसलिए आपको जो लेवल दिए जा रहे हैं ना उनको फोकसली वॉच करें। जो आपको ये आके बोल देता है मार्केट में अपमूव आ रहा है बस मार्केट ऊपर जाएगा और आप सिर्फ कॉल ही कॉल खरीदोगे तो ये शायद मैनिपुलेशन वाली बातें हो जाएंगी और यहाँ पे आपका लॉस ही होगा, प्रॉफिट नहीं होगा। तो इसलिए जो भी लेवल दिए जा रहे हैं उनको फोकसली वॉच करें तो आपको प्रॉफिट बनेगा ही बनेगा। तो मैंने इसमें एक चीज़ और ऐड की थी, अगर मार्केट में एक गैप अप खुल जाता है तो मार्केट को सस्टेन होने देना। अगर मार्केट इसी लेवल के आसपास से सेल देखता है तो आपको क्या करना है, मार्केट में आपको रिवर्सल प्ले करना है। देखो कल मैंने एक लेवल ये दिया था, अगर मार्केट ऊपर जाता है तो 19160 से ऊपर जाता है तो मार्केट आपको 19210 तक जाता हुआ दिखेगा और इस लेवल के आसपास जाके मार्केट रेजिस्टेंस फेस करेगा। एग्जैक्टली वही हुआ, मार्केट ने जो हाई लगाया है ना वो 19233 के आसपास का हाई है। जब मार्केट ने 5 मिनट में ये कैंडल बना दी थी तो आपको क्या करना चाहिए था, आपको इस लेवल से यानी कि 19160 के लेवल से, मैंने बोला था ना 19160 का लेवल बोला था, इस लेवल से आपको रिवर्सल प्ले करना था। एक SL आपको लगा देना चाहिए था डे हाई का और अपना SL लगा के छोड़ देते और अपना जो भी प्रॉफिट 2:1 का जो भी आप रेशियो लेके चलते हो उसके अकॉर्डिंग अपना प्रॉफिट बुक कर सकते थे। एग्जैक्टली मार्केट के अंदर यही हुआ है। अगर आप प्रॉपर तरीके की चीज़ें फॉलो करोगे तो कभी लॉस नहीं होगा, आप प्रॉफिट कमाओगे, नहीं तो आप इसी तरीके से लॉस खाते रहोगे। तो जो लेवल दे जा रहे हैं उनको प्रॉपर तरीके से फोकसली वॉच करो। और एक चीज़ आपको और एनालिसिस करनी है इसके अंदर, मैं ये चीज़ क्यों बोल रहा हूँ, देखो एक जब भी हमारे देश में जनरल इलेक्शन होते हैं ना उससे पहले निफ्टी 50 हल्का होता हुआ दिखता है। अगर मैं बात करूं 2009 की ना, अगर आप 2009 के आप चार्ट देखोगे जाके तो वहाँ पे आपको दिखेगा जब हमारे देश में जनरल इलेक्शन थे 2009 में तो निफ्टी 50 ने उस टाइम जो अपना लो छुआ था ईयरली वो छुआ था 2008 का सितंबर का आके, या सितंबर या अक्टूबर के आसपास का आके। उसी प्रकार 2014 में जब जनरल इलेक्शन हुए थे तब मार्केट ने जो लो छुआ था, जहाँ से मार्केट ने बाउंस बैक किया था वो था आपका शायद अक्टूबर का, अक्टूबर के लो से मार्केट ने बाउंस बैक करके वापस से अप मूव दिए थे। उसी प्रकार 2019 में भी यही हुआ था, मार्केट ने जब हमारे देश में इलेक्शन थे तो निफ्टी 50 ने 2018 का सितंबर का शायद अपना लो छुआ था फिर यहाँ से बाउंस बैक दिया था। तो उसी प्रकार 2024 के जब इलेक्शन होंगे ना तो यहाँ पे भी निफ्टी 50 जो कोशिश करेगा, अगर रिपीट होती है हिस्ट्री तो 23 सितंबर और अक्टूबर के आसपास का लो पकड़ने की कोशिश करेगा, ये देख लेना आप, ठीक है। तो ये रिपीट होता है तो आपको ये चीज़ होती हुई दिखेगी। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको वेट करना है, आपको कोई भी ऐसा ट्रेड नहीं लेना है जिसमें आप ट्रैप हो जाएं और फिर आप पछताएं। तो चीज़ों को प्रॉपर तरीके से सुनते रहें ताकि आप मार्केट से प्रॉफिट कमाएं, ठीक है। तो कल के लिए क्या ध्यान रखना है, इंट्राडे के लिए कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी तो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो देखो कल के लेवल क्या ध्यान रखना है आपको, अगर मार्केट निकलता है किसके ऊपर, अगर मैं बात करूँ अपसाइड की यानी कि कॉल साइड की, देखो क्रूशियल है क्योंकि मार्केट ने क्लोजिंग अपने डे लो की तरफ दी है तो पॉसिबिलिटीज ये भी हो सकती है कि मार्केट आपको गैप डाउन दे दे या मार्केट कंटिन्यूसली आपको कल नीचे जाता हुआ दिख जाए, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर निकलने की कोशिश करता है यानी कि जाने की कोशिश कर रहा है तो आपको निकलने देना किसके ऊपर, 19100 के ऊपर निकल, 110 के ऊपर निकलने देना, ठीक है ना। इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है ना, या 110 के ऊपर ले लेना, 120 के ऊपर, ये लेवल क्रूशियल रहेगा मार्केट के लिए। अगर मार्केट 19110 के ऊपर सस्टेन करता है तभी आप ऊपर के लिए प्ले करोगे, बहुत छोटा मूव होगा, बड़े मूव नहीं होंगे, इसलिए आपको ध्यान रखना है मार्केट ज़्यादा बड़ा मूव नहीं देने वाला है। 19150 और 19180 यहाँ से बायर्स के लिए अपॉर्चुनिटी बनेगी, यानी कि 19180 के ऊपर निकलता है तो बायर्स के लिए अपॉर्चुनिटी बनेगी, फिर मार्केट आपको अच्छे खासा मूव दे सकता है ऊपर के लिए। 19180 निकलेगा तो डेफिनेटली मार्केट आपको 250 की तरफ मार्केट जाता हुआ दिखेगा। तो क्या ध्यान रखना है, मार्केट के लिए अच्छा मूव कहाँ से बनेगा, वो बनेगा 19180 से। इस बीच में अगर आप प्ले करना चाहते हो छोटे मूव रहेंगे, अगर मार्केट ऊपर जाता भी है तो इस रेंज में आके फिर से रेजिस्टेंस लेके मार्केट फॉल कर जाएगा। तो ध्यान रखना है अगर मार्केट को ऊपर प्ले करना है तो 19100
10 के ऊपर सस्टेन होने देना, तो छोटा मूव के लिए प्ले कर सकते हो, जहाँ पे मार्केट आपको 19,150 और 180 तक की रेंज में जाता हुआ दिखेगा, और 180 के बाद ही आपको एक रियल मूव मिलेगा जो मार्केट को कहाँ तक ले जा सकता है, 250 के 300 के रेंज में। तो ध्यान रखना है ये लेवल, आपको ये लेवल के अकॉर्डिंग आपको प्ले करना है अपसाइड के लिए। और वहीं अगर मैं बात करूँ डाउन साइड के लिए, देखो डाउन साइड आपको क्या ध्यान रखना है, डाउन साइड आपको क्या ध्यान रखना है, अगर मार्केट फॉल करता है एक क्रूशल लेवल 1950 के नीचे, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है जो मैंने आपको टारगेट नीचे के दिए भी थे और आपको अचीव भी हुआ था, 1960 के आसपास मार्केट ने क्या लिया, सपोर्ट भी लिया। अगर मार्केट इस लेवल के नीचे निकलता है, अगर मार्केट इस लेवल के नीचे सस्टेन करता है, तो आपको नीचे के लिए प्ले करना है, जिसमें आपको पहला टारगेट जो अचीव होगा 18,980, ठीक है ना, 18,980। अगर मार्केट 18,900 अचीव ही निकालेगा तो 18,950 के लिए मार्केट आता हुआ दिखेगा। उसके बाद क्या होगा, 18,950 एक इमीडिएट मार्केट के लिए अच्छा सपोर्ट है, अगर ये निकला तो मार्केट गैप फिल करने जाएगा फ्राइडे वाला, जो मार्केट ने गैप अप मारा था ना फ्राइडे के दिन, फिर वो गैप फिल होगा जो मार्केट को ड्रैग कर सकता है कहाँ तक, 18,800 के लेवल पे, कहाँ तक, 18,800 के लेवल, क्योंकि इसके बाद मार्केट के पास एक गैप फिल करना है। वो गैप कहाँ तक आता है, वो गैप आता है अगर आप देखोगे तो 18,950 के बाद जो है वो शायद 18,850 की रेंज में आता है, मतलब कि 100 पॉइंट का गैप पड़ेगा, उसको मार्केट फिर फिल करने जाएगा, और वो फिल करेगा तो मार्केट सपोर्ट लेता हुआ देखिएगा 18,850 और 18,800 की रेंज में। तो ध्यान रखना है अगर मार्केट डाउन मूव देता है तो 18,950 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, अगर ये सपोर्ट निकला तो फिर 18,850 और 800 वाली रेंज में मार्केट आता हुआ देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट का सपोर्ट है, तो ये ध्यान रखना है आपको। अगर वहीं मैं ओआई डाटा की बात कर लूँ तो वो मैं आपको दिखा दूँ, देखो ओआई डाटा में क्या दिखेगा आपको, आज मार्केट की एवरेज क्लोजिंग की बात करूँ तो वो आई हमारी 19,080 के आसपास, मान के चलते हैं वहाँ पर एवरेज क्लोजिंग है। अब देखो ओआई डाटा में देखो क्या दिखेगा आपको, अगर मैं आपको दिखाऊँ 19,100 पे, देख लो 19,100 में क्यों बोल रहा हूँ, 1,45,000 के पास कॉल राइट हो चुकी है, 19,100 देख लो, 19,150 देख लो, 19,200 देख लो, 2,00,000 के आसपास कॉल राइट हो चुकी हैं, और 19,250 के बाद देख लो कि 19,300 में देख लो कि, मतलब भर भर के लोग कॉल राइट करके गए हैं, यानी कि ये मार्केट को बुरी तरीके से नीचे धकेलना चाहते हैं, ये क्लियर कट संकेत है। अगर मार्केट ऊपर जाता भी है तो बहुत ज़्यादा जाएगा, 19,250 के बाद मार्केट को फिर से नीचे धकेल देंगे, यानी कि आपको क्लियर कट दिखेगा यहाँ पे मार्केट का इमीडिएट जो रेजिस्टेंस बनने वाले हैं वो 19,200 बहुत ज़्यादा मार्केट के लिए हडल है। अगर बाई चांस किसी कारणवश कोई ऐसी न्यूज़ आ जाए, अगर इसके ऊपर निकला तो शार्प मार्केट में शॉर्ट कवरिंग होगी जो मार्केट को अच्छा खासा 101 पॉइंट के ऊपर की रैली देगा, जो 350 तक भी जा सकता है मार्केट, पर ये बहुत ही दूर के चांस लगते हैं। बाकी भर भर के कॉल आउट हो चुकी हैं 19,100, 19,150, 19,200, 19,250, 300 पे, यानी कि मार्केट बहुत मुश्किल है ऊपर जाने के लिए, तैयार नहीं है, यानी कल गैप डाउन दिखने के भी चांस मिल सकते हैं आपको। वहीं अगर मैं बात करूं पुट साइड, देखो पुट साइड में क्या बताना चाहता हूं, 18,900 और 19,000 पे देखो, 19,000 पे 1,65,000 के आसपास समझ लो बहुत बड़ा मार्केट के लिए क्या बना हुआ है, ये एक सपोर्ट होगा। मैंने बोला ना आपको कि मार्केट का इमीडिएट जो सेकंड आपको मैंने टारगेट दिया ना 18,880 का जो टारगेट दिया, वो इसलिए दिया है कि 19,000 के पास बहुत तगड़ा पुट राइट हो रखा है, अगर मार्केट को इसके नीचे निकलना है तो पहले इनको भगाना पड़ेगा, इनको डराना पड़ेगा, अगर ये डरेंगे तो मार्केट आपको शार्प ट्रिगर करके देगा कहाँ तक, 19,900 तक मार्केट आराम से ट्रैक करेगा 19,900 तक, यहाँ पे फिर आपको सेकंड मार्केट सपोर्ट लेता हुआ देखिएगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं है, जिस हिसाब से कॉल राइट हो चुकी है ना उस साइड से पुट साइड तो बहुत कम लोग हैं, यानी कि इनमें इतना दम नहीं है कि ये मार्केट को होल्ड कर पाएँ। अगर एक बार मार्केट नीचे टूटा तो डेफिनेटली फिर ये तो भागेंगे भागेंगे, फिर मार्केट आपको शार्प टकर नीचे करके देगा जो मार्केट को ट्रैक कर सकता है 19,900 तक, फिर 19,800 तक, ओ सॉरी 18,900 तक और 18,800 तक, ये आपको ध्यान रखना है। अगर मैं बात करूं बैंक निफ्टी में, क्योंकि कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, तो आपको थोड़ा सा केयरफुल होकर ट्रेड करना है, जरूरी नहीं है कि आपको सेम एक्सपायरी प्ले करना है, आप नेक्स्ट एक्सपायरी में शिफ्ट होकर प्ले कर सकते हो। और क्या ध्यान रखना है इसमें, देखो आपको अगर मार्केट को अपसाइड जाना है, मैंने एक लेवल आपको बोल दिया है, अगर प्रॉपरली अपसाइड प्ले करना है वो 43,110 के ऊपर मार्केट के अंदर अच्छे मूव हैं, जब तक मार्केट 43,110 के ऊपर नहीं टिकेगा तो आपको कोई मूव नहीं मिलने वाला है। उससे पहले आपको छोटे मूव जो इंट्राडे में प्ले करने हैं वो क्या हैं, देखो अपसाइड की बात कर लें, पहले हम अपसाइड की बात कर लें यानी कि कॉल साइड की बात कर लें इसमें, तो बैंक निफ्टी में कल क्या ध्यान रखना है आपको, अगर मार्केट ऊपर निकलता है तो आप छोटे मूव के लिए प्ले कर लेना 42,900 के ऊपर, अगर मार्केट 42,900 के ऊपर सस्टेन करता है तो आप छोटे मूव के लिए प्ले करोगे, जहां मार्केट आपको जा सकता है
43,110 तक, इस रेंज तक मार्केट आपको जाता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो कोशिश करना है इसी बीच में अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लेना, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है किसी कारणवश तो, ठीक है। अगर मार्केट ने ये लेवल निकाला डेफिनेटली फिर मार्केट आपको अप्रोच करता हुआ दिखेगा, कहाँ तक, सीधा 300 वाली रेंज पे, यानी कि 43,250 और 300 वाली रेंज तक मार्केट आपको फिर दिखेगा जाता हुआ अच्छी तरीके से। फिर ये रहेगा अच्छे मूव जो है 43,110 के ऊपर ही बढ़िया मूव होंगे, जो आपको जल्दी आते हुए भी दिख सकते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। पर पॉसिबिलिटीज बहुत कम लग रही है जिस हिसाब से आज मार्केट ने फॉल दिया है। वहीं मैं बात करूँ डाउन साइड की, यानी कि पुट साइड अगर हम बात करें, देखो पुट साइड आपको क्या ध्यान रखना है, अगर मार्केट फॉल करता है किधर 42,800 के नीचे, इमीडिएट मार्केट का जो डे लो बना है, इस डे लो के नीचे मार्केट निकलता है, मार्केट सस्टेन करता है, तो आपके लिए नीचे की जो अपॉर्चुनिटी होंगी वो क्या होंगी, 42,650 और फिर 42,500। बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है 42,500 मार्केट के लिए, 42,500-400 वाला मतलब बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। इस रेंज में मार्केट फिर से सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा तो ये आपकी डाउन साइड की बात रहेगी। अगर मार्केट इस रेंज में आता हुआ मिलता है तो आपको अपना प्रॉफिट बुकिंग करते हुए चलना है, ठीक है। अपने कोई भी पुट ले सकते हो, कोई भी कॉल ले सकते हो, पर ध्यान रखना है मार्केट आपको ये नहीं लेके चलना है कि बस मैं कॉल पे काम करूंगा, मैं पुट पे काम करूंगा। हाँ, अगर मार्केट नीचे की तरफ चला जाए तो आपको पुट ही पुट पे काम करना है। अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन खोल देता है, फिर मार्केट किसी पे सपोर्ट लेता है, फिर आपको कॉल ढूंढनी पड़ेगी, फिर पुट क्यों ढूंढोगे आप, तो वो चीज़ आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। अगर बहुत बड़ा गैप अप आ जाता है और किसी ऐसे लेवल के पास मार्केट खुलने की कोशिश करता है जो रेजिस्टेंस है, और मार्केट कंटिन्यूसली रेजिस्टेंस फेस कर रहा है उस जगह पे, तो आपको कॉल नहीं फिर पुट लेनी होती है। ये चीज़ दिमाग में डाल लो अपने, ठीक है। अगर मैं इसकी ओआई डाटा की बात करूँ तो देखो, इसकी अगर मैं एवरेज क्लोजिंग की बात करूँ तो तकरीबन हमें इसकी एवरेज क्लोजिंग कितनी मिली, अगर देखूँ मैं यहाँ पे तो 42,845 के आसपास हमें इसकी एवरेज क्लोजिंग मिली है, ठीक है ना, 42,845 के आसपास हमें इसकी एवरेज क्लोजिंग मिली है। तो अब देखो 42,800 पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ठीक, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं, 42,900 पे देखो, मैं 42,900 निकलने के बाद क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 108,000 के आसपास ठीक ठाक यहाँ पे क्या रखा है, कॉल राइट हो चुकी है। और 43,000 पे देखो 2,86,000, मतलब बहुत बड़ी संख्या है ये, मार्केट इसके ऊपर मतलब जाना बहुत ही कम चांसेस हैं। और इसी तरीके से देखो 43,100 पे देख लो, 43,200 पे देख लो, मतलब कि कॉल राइट कर करके इतनी ज़्यादा मात्रा में गए हैं कि उनको इतना कॉन्फिडेंस है कि मार्केट ऊपर जाने वाला नहीं है। तो ये ध्यान रख सकते हो, अगर मार्केट ऊपर जाता है किसी कारणवश तो इतने ज़्यादा मार्केट के लिए हडल होंगे कि मार्केट उनको निकाल पाना मुश्किल होगा। अगर मार्केट ने ये निकाला तो डेफिनेटली इनके लिए फिर क्या होगा, पैनिक होगा और इनको फिर मजबूरन हटना पड़ेगा, और ये हटेंगे तो मार्केट आपको शार्प ट्रिगर करके देगा बहुत अच्छे लेवल, मतलब कि ऊपर के बहुत अच्छे लेवल खुल सकते हैं, जहाँ पे आपको मार्केट फिर तो अपर लेवल की तरफ भागता हुआ दिखेगा। तो ये ध्यान रखना, आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में कॉल राइट हो चुकी है, भर भर के कॉल राइट करके गए हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो। अगर मैं आपको दिखाऊँ पुट साइड, तो पुट साइड आपको कुछ नहीं मिलने वाला ज़्यादा, मतलब बड़ा नंबर कुछ नहीं है। 42,800 पुट साइड देखोगे तो 1,66,000 ये लेवल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1,06,000 के आसपास पुट राइट हो चुकी हैं। 42,700 पे देखोगे 1,46,000 और 42,600 पे देखोगे तो मतलब एक साइड आप देखोगे ना तो मार्केट के लिए हर जगह एक सपोर्ट का काम करने वाला है। पर इमीडिएट बहुत अच्छा सपोर्ट मार्केट के लिए क्या है, 42,500, 2,34,000। तो इमीडिएट जो मार्केट के लिए अच्छा सपोर्ट जो होगा वो होगा 42,500। अगर मार्केट के अंदर बहुत बड़ा गैप डाउन आ जाता है तो आपको क्या ध्यान रखना, अगर 42,500 मार्केट जा रहा है तो वहाँ पे मार्केट बाउंस बैक करेगा, तो आप वहाँ से अपनी कॉल लेके अपना प्रॉफिट बना सकते हो। ये चीज़ ध्यान रखना, अगर मार्केट के अंदर बहुत बड़ा गैप डाउन आ जाता है तो 42,500 पे मार्केट सपोर्ट लेगा और वहाँ से बाउंस बैक करेगा, तो आपको अपनी कॉल ले सकते हो। अगर मार्केट वहाँ सस्टेन करता है तो वहाँ से कॉल लेके अपना प्रॉफिट बना सकते हो। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, काफ़ी अच्छी मात्रा में कॉल पुट राइट हो चुकी हैं उन 42,500 पे, ठीक है। तो ये लेवल आपको ध्यान रखने, इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे। सो चीज़ों को प्रॉपर तरीके से सीखते रहें, हमारा काम यही है, हम कोशिश यही करते हैं आपको प्रॉपर तरीके से चीज़ों को एनालिसिस करके दें ताकि आप मार्केट से प्रॉफिट बनाएं। हमारा काम नहीं कि आपको सिर्फ बता दें पुट बाय कर लो, वो पुट बाय कर लो, हम कोशिश करते हैं कि प्रॉपर तरीके से एनालिसिस कर दें कि आपको समझ आ जाए कि मार्केट में कहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना है, कहाँ पे रेजिस्टेंस बना हुआ है, कहाँ मार्केट बाउंस बैक कर सकता है, पोजिशनल ट्रेड कहाँ से बनेंगे, ठीक है ना, शॉर्ट ट्रेड कहाँ से क्रिएट होंगे। अगर हम ये सब चीज़ें आपको सही से समझा पा रहे हैं तो उस चीज़ का फायदा उठाओ आप प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो चीज़ों को सीखते रहें, लर्न करते रहें ताकि आप मार्केट से पैसा बनाते रहें। सो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।